आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एंजॉय विद अनन्या। सो आज हम बनाने वाले हैं DIY किट होल्डर। सो उसके लिए हमें 2 कलर की शीट चाहिए, 1 सीजर, 1 पेंसिल एंड 1 फेविकॉल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड, सबसे पहले हमें स्केल से 10 और 11 लाइन का पॉइंट लगा लेना है और ऐसे ही इधर भी लगा लेना है। सो अब हमने जहाँ पर पॉइंट बनाए थे हम कर देते हैं वहाँ से इसे फोल्ड। सो फ्रेंड्स, हमने कर लिया ऐसे फोल्ड, ये रही वो लाइंस और अब हम कर देते हैं इसे फोल्ड। सो बाहर से तो ये हमारा रेडी हो चुका है, लास्ट में हम इसमें लॉक ऐड करेंगे। सो अभी हम इसको अंदर से डेकोरेट करते हैं सेकेंड पेपर और इस पर कुछ शेप्स ड्रॉ करनी है। सो मैंने कर लिए हैं कुछ लाइंस ड्रॉ, अब हम इन सबको कर लेते हैं कट। सबसे पहले हमें बनाना है पेन होल्डर। उसके लिए हम पेन लेंगे और पेपर की स्ट्रिप को फोल्ड करके हमें इतना पीस चाहिए। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बना लिए हैं ये 5। अब हम इसको कर देते हैं इस पे पेस्ट। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें यहाँ पे सारी ये पेस्ट कर लेनी है। फ्रेंड्स, मैंने कर लिया है ये पेस्ट। अब हमारा पेन होल्डर तो रेडी हो गया है, अब इसकी साइड में हमें बनाना है स्केल होल्डर। उसके लिए मोटी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी और अब अपना स्केल लेके इसको इसके ऊपर 2 टाइम्स रोल कर लेना है ऐसे। अब हम कर देते हैं इसको यहाँ से कट और पेस्ट। फ्रेंड्स, हमने इसको पेस्ट कर लिया है, अब हम इसको थोड़ा पेन होल्डर से नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी 1 साइड हो गई है तैयार, अब हम करेंगे राइट साइड को रेडी। उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रिप ले लेनी है क्योंकि हम यहाँ पे हैंग्स करने वाले हैं कुछ ये। मैंने ये पेपर्स के कुछ बना लिए थे और इनकी साइड में कर्व शेप है, 4 साइड कर्व शेप। हम इनके लिए बनाएंगे होल्डर। सबसे पहले हमें इनका साइज़ ले लेना है और हमने कर लिया है इसके ऊपर फोल्ड। यहाँ से करते हैं कट। यहाँ से कट कर दिया है और अब हम करते हैं इसको पेस्ट। ये भी हो चुका है हमारा रेडी। अब हम यहाँ नीचे की साइड, ये मैंने एक स्मॉल डायरी बनाई थी कुछ भी लिखने के लिए। अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पर पेस्ट करने से पहले हम एक स्ट्रिप लेके इसका जो ये साइड का कॉर्नर है इस पर ऐसे लगा देंगे जिससे ये थोड़ी और अट्रैक्टिव लगे। इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हो चुका है पेस्ट। अब हम इसके बैक साइड में पूरी जगह पे फेविकॉल लगा देंगे। फेविकॉल तो हमने स्प्रेड कर दिया है, अब हम इसको यहाँ नीचे की साइड पर ऐसे लगा देते कर दिए पेस्ट। और अगर हम इसके अंदर कुछ भी रखेंगे तो वो नीचे को गिरेगा नहीं। और इसके पीछे लगा दिया फेविकॉल और अब इसको कर देते हैं नीचे की साइड फोल्ड। फ्रेंड्स, हमारे सारे होल्डर्स तो रेडी हो चुके हैं, इसके अंदर आप हाँ इजीली कुछ भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बाहर से तो ये अंदर से तो ये हो चुका है रेडी, बाहर से भी रेडी हो गया, बस इसमें लास्ट चीज़ हमें पुट करनी है, वो है लॉक। लॉक के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रिप कट कर लेते हैं। हमें इसके लिए थोड़ी मोटी स्ट्रिप कट कर लेनी है। सबसे पहले हमें इस टाइप से ही कर लेना है और अंदर से हमें इसको यहाँ से पेस्ट कर देना है, यहाँ से इतना पार्ट हमें पेस्ट कर देना है। फ्रेंड्स, पहले हम अंदर का पार्ट पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। फ्रेंड्स, इसे पेस्ट करने से पहले हमें एक पेपर लेके उसको इसके साइज़ का कर लेना है जिससे कि जब हम दूसरी साइड से करें तो ये इसके अंदर जाके लॉक हो जाए। इसको यहाँ से कर लेते हैं पेस्ट, ऑफिस के अंदर डाल देते हैं।
सो फ्रेंड्स, मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। मैंने इसको सिर्फ यहाँ तक पेस्ट किया है, बाकी ये खुला हुआ है। और अब जब हम इसको लॉक करेंगे, सो इसको थोड़ा पीछे करके और इसको हमें आगे करके इसको भी थोड़ा आगे कर देना है। सो फ्रेंड्स, ये हो चुका है रेडी। अब हमें इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग करनी है और उसके बाद हमारा किट रेडी। सो डिटेलिंग के लिए आप कोई से भी पेन ले सकते हैं। मैंने लिया है ब्लैक ग्लिटर पेन। और सबसे पहले हम इसको अंदर से कर देते हैं थोड़ा डेकोरेट। यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे सिंपली स्मॉल हर्ट बना देते हैं। एंड देन यहाँ पे इसको थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए मैंने एक ग्रे पेपर की स्ट्रिप लगा के इसके ऊपर डायरी लिख दिया है। सो एक साइड रेडी। एंड देन यहाँ पे सिंपली, वैसे अगर आप लिखना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगी। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टिकर और ऊपर बना दिया एक हर्ट। सो अंदर से तो ये डेकोरेट हो चुकी है ये डेकोरेट। और अब हमें इसके बाहर की जो हमने इसका लॉक बनाया था उसको भी हम डेकोरेट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो चुका है हमारा रेडी। सो बाहर से कुछ ऐसा है, बैक साइड से कुछ ऐसा, और जब हम इसको करेंगे ओपन, सो यहाँ है डायरी, नोट्स, पेन होल्डर, स्केल होल्डर, इरेजर होल्डर, और इन नोट्स को हम इसमें भी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।